हाय होय होय हाय हाय होय होय हाय हाय होय होय बदोबदि 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 अखेलड़ी बदोबदि। तो जी फिल्जा फार्म हाउस के जो ऑनर हैं वो हैं उमर अहमद कबूले साहब। आए हैं तो फिर जान तो, यानी कि खतरों के खिलाड़ी हैं आप। 200 मुकाबला हो रहा है, ये भी छलांग लगाएंगे और ये भी छलांग लगाएंगे। अब देखते हैं कौन अच्छी छलांग लगाता है और कौन जबरदस्त स्विमिंग करता है। यस 1 2 3 ओ लानत। तालिब बहुत जबरदस्त स्विमिंग करते हैं आप माशाल्लाह। आतिफ भाई बहुत जबरदस्त स्विमिंग करते हैं माशाल्लाह। स्विमिंग नेशनल्स बच्चों वाली छलांग थी, लेकिन बच्चे ही तो हैं, क्या करें। ये जो इन्होंने बच्चों वाली छलांग लगाई है, आप क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर? यार असद भाई असा यही चाहना थी देखो हैं के अच्छा खेलने के। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दोस्तों आज है ईद और हम सब नमाज पढ़ के आए हैं। ईद मुबारक सभी देखने सुनने वालों को, पूरी दुनिया में रहने वालों को, देखने सुनने वालों को ईद कुर्बा की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज सुबह से मैंने ब्लॉग नहीं किया क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है दोस्तों। आई कैन ब्लॉग, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, मैं ब्लॉग कर सकता हूँ और मैं करता भी हूँ, लेकिन नोबडी इज़ रेडी टू कम इन माई ब्लॉग क्योंकि इतने पसीने में शुम थे हम, यानी कि मालूम ही नहीं पड़ता कि नहा के आओ ये पसीना है कि पानी है। तो दोस्तों खुद भी अच्छे नहीं लग रहे थे तो कोई और अच्छा कैसे लग सकता है हमें, तो इसलिए मैंने ब्लॉग सुबह से नहीं किया। अभी बजे हैं 10:30 और सारे रिश्तेदार चले गए हैं, वासे वाले आए नहीं हैं, ज़हीर से मुलाकात बड़े दिनों से नहीं हुई है, नईम से अभी मुलाकात हुई, बाकी बहुत सारे रिश्तेदारों से मुलाकात हुई है, लेकिन सारे ही ऐसे थे अजीबोगरीब क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो आज मैंने थोड़ा सा, तो मैंने कहा कि नहीं मेमोरी तो कलेक्ट हम करेंगे, थोड़ा सा व्लॉग बनाएंगे, तो मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है 10:30 बजे। तो देखते हैं बाकी दोस्तों से मुलाकात होती है तो उनको व्लॉग में ज़रूर लेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? बहुत सारे व्लॉग आना बाकी हैं, जल्दी से व्लॉग को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों प्रोग्राम में थोड़ी सी तब्दीली कर दी गई है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और आज दोस्तों ने पूल पार्टी का प्रोग्राम रखा है जल्दी जल्दी में। तो ज़हीर साहब मुझे लेने आ रहे हैं और ज़हीर से ईद भी मिलते हैं और पहुँच कर आपसे मिलते हैं फिल्जा फार्म हाउस पर। दोस्तों ये हैं ज़हीर कबूलियो, जो कि आप देख सकते हैं, जिनसे हम ईद मिलने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम असद भाई, ईद मुबारक। दोस्तों बड़े दिनों बाद असद भाई अस्सलाम वालेकुम, वाली संगत के अस्सलाम वालेकुम, सबनी के ईद मुबारक हूं। असद भाई तां के लख लख ईद मुबारक हूं। दोस्तों काफी वक्त खां बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है ज़हीर भाई से। सर माशा भाई सर तां जी बादशाहिन में लोग बड़ा मिस कर रहे हैं आपको। सर असी तो तां के डाडो मिस कयूं पे, असी तां जी व्यूज के डाडो मिस कयूं पे, पर छाए से तां जो व्लॉग डाडो देर देर सा पियो अचे। अरे यार इलाही देर देर सा बोले छो तां न पया मिलो इने करे व्लॉग सर रेगुलर ठाइना थी। तो दोस्तों अब मिलते हैं आपसे फिल्जा फार्म हाउस पहुंच। नहीं भाई क्या हाल चाल, ठीक ठाक मजे में सर वे। तो गाइज हम फिल्जा फार्म हाउस पहुंच चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। तो गाइज पूल में जाने के लिए मैं रेडी हो चुका हूं, अब जाते हैं पूल में, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको फिल्जा फार्म हाउस दिखाना चाहता हूं। तो गाइज ये है फिल्जा फार्म हाउस, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही खूबसूरत ये बना हुआ आप देख सकते हैं। ईद मुबारक, ईद मुबारक, क्या हाल चाल? अच्छा नहीं, और ये हैं आतिफ एजाज साहब, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक सर, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। वैसे मैं ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक,
ईद मुबारक। मजा लगा पड़ा भाई, क्या हाल चाल? ठीक ठाक, अब ठीक ठाक। ईद मुबारक, पूल पार्टी मुबारक। माजिद, नईम, कामरान जी सर, बिल्कुल फिल्जा फार्म हाउस जिंदाबाद। ये जी ऑनर है, फिल्जा फार्म हाउस के ऑनर हैं और इनकी बेटी का नाम है फिल्जा। अरे ये कौन है, डूबता हुआ बंदा कौन है? क्या हाल है? ठीक ठाक तालिब, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। पूल पार्टी ईद के पहले दिन भाई, ये एंजॉय कर रहे हैं सारे लोग माशाल्लाह से। खादिम है ये, खादिम क्या हाल चाल? ठीक ठाक, ईद मुबारक और पूल पार्टी मुबारक। बस के यार छाए, चेंज करें यार, वहां से जल्दी जा रहे हैं कपड़े चेंज करने के लिए, पूल में जाने के लिए। कपड़े चेंज कर चुका है, वहां से पूल में जाने के लिए तैयार हो आप? जल्दी जल्दी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ भाई साहब। भाई वहां से छलांग लगाएंगे, 1, 2 and 3 लेडीज एंड जेंटलमैन। जी हाँ, जी हाँ, यस वहां से ये, अरे छलांग छलांग लगाओ। कौन है ये लोग? ठीक है यार, वहां से ने छलांग नहीं लिया, वहां से छलांग लगानी थी यार। अरे यार जही आ जाओ पूल में यार, क्या कर रहे हो यार? हाँ छो यार, केम कौन मुट्टी आया किन गने? वैसे अनहाइजीनिक होता है क्योंकि पेशाब भी कर देते हैं लोग, लेकिन यार कुछ चीजें होती हैं, जैसे अगर आप न्यूयॉर्क घूमने गए तो न्यूयॉर्क की मशहूर जगह है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग और स्टेचू ऑफ लिबर्टी, टाइम्स स्क्वायर, तो उसी तरह अगर आप पूल पार्टी में आए और पूल में नहीं गए तो पूल आए क्यों थे? बात तो सही है। तो इसलिए हम भी छलांग लगाएंगे, एक तो छलांग लगाएंगे सर, तो आप लगाएंगे तो मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा। नहीं वीडियो नहीं, आप दोनों आओ यार, वसीम भाई आप भी चलो। अच्छा जी तो अज जो है सो पार्टी उमेर कबूल तरफा रखी हुई है, ही जो स्विमिंग पूल तमाम जो ही निज़ाम है यो चाचा अहमद कबूल की तरफा। नईम भाई, असद भाई, नईम भाई, असद भाई, वासिफ भाई, अमजद भाई, तमाम दोस्त ये तमाम दोस्त बेंजी रहा है पूल में, माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं। ये तालिब साईं, अमजद भाई, असद भाई, हम फार्म हाउस की छत पर आ चुके हैं और यहाँ से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। पहले आपको यहाँ से व्यू दिखा देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा ये पूरे फार्म हाउस का मैं व्यू दिखा देता हूँ आपको। और ये हमारी संगत खड़ी हुई है, वीडियो बाय वीडियो बाय वीडियो। दोस्तों मुकाबला हो रहा है, ये भी छलांग लगाएंगे और ये भी छलांग लगाएंगे, अब देखते हैं कौन अच्छी छलांग लगाता है और कौन जबरदस्त स्विमिंग करता है। ओ लानत, ये क्या है यार? बारानी छलांग आई था यार, खुदा है कसम, बच्चों वाली छलांग लगा दी है दोस्तों इन्होंने। आते ये बिल्कुल ही बच्चों वाली छलांग लगाई है इन्होंने, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? क्या चाहना चाहेंगे उन्हें बारे में? खुश भी हो रहे हैं बच्चों वाले छलांग। भाई अमजद आप क्या कहना चाहोगे, बच्चों वाली छलांग लगाए? खतरनाक है ये, जो है जान का खतरा है, ऐसी हरकतें ना करो, ऐसी हरकतें आप घरों में ना करें प्लीज। तालिब आपने इतना नुकसान उठाया क्यों? नुकसान एंजॉय कर रहे थे, आए तो फिर जान तो, यानी कि खतरों के खिलाड़ी हैं आप। अच्छा ये क्या है? अबे ये छलांग है क्या? ये छलांग लगाई है तुमने?
यार रिजान भाई क्या कहना चाहेंगे बच्चों वाली छलांग लगा के? ये इनको आती नहीं है, इनको आती नहीं है, हरू भरू आए, ये पता नहीं मजाक कर रहे हैं, छम छम खेले, छम छम खेले। फरहान भाई क्या कहना चाहोगे इसी बच्चों वाली छलांग पर, आप क्या कहना चाहोगे? सर बच्चों वाली छलांग थी लेकिन बच्चे ही तो हैं, क्या करें, बात तो सही है। बच्चों को कुछ कह भी नहीं सकते, माशाल्लाह कद वाकई बच्चों वाले हैं सबके। जही भाई, जही भाई ये जो इन्होंने बच्चों वाली छलांग लगाई है, आप क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर? यार असद भाई असा यू चांद चाइना थी तो देखो ही हैन के नाथो खेलने के ही छम छम खेदन। अच्छा अच्छा बड़ी बात, हमारा जो दोस्त है नईम उसने भी छलांग लगाई है। ये हद हो गई। आपका कौन सा YouTube चैनल है मैं बताऊं? सर आप YouTube आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप YouTube पे जाके सूफी रॉक व्लॉग्स लिखेंगे ना तो मेरा नाम और चैनल आ जाएगा, ठीक है ना? सूफी रॉक व्लॉग्स, ठीक है सर? सूफी नहीं है, ये तो मस्ती है, ये तो मस्ती मजाक है ना सर। तो इसमें सब चीजें होती हैं, सब चीजें होती हैं। आपको कैसा लग रहा है फिजा फार्म हाउस? भाई हम आए हैं हमारे शहर में, ये फार्म हाउस है जी हाँ, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है और बेहतरीन किस्म का। अच्छा इस जैसा फार्म हाउस यहाँ नहीं है, यहाँ पूरे तकरीबन नहीं, पूरे एरिया में यानी कि जामशोर और हैदराबाद में नहीं, ऐसा फार्म हाउस मैंने भी नहीं देखा। ऐसा फार्म हाउस बिल्कुल नहीं है। तमाम वंडरफुल एंजॉय करने के लिए, फैमिली के लिए, यंग जनरेशन के लिए, बैचलर के लिए, जबरदस्त अच्छी जगह है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया किस्म का ये फार्म हाउस है। मैंने भी पूरे हैदराबाद और जामशोर में ऐसा फार्म हाउस देखा नहीं। तो आप भी आ सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों यारों के साथ, बिल्कुल एंजॉय आके करें। तो जी फिलजा फार्म हाउस के जो ऑनर हैं वो हैं उमेर अहमद कबूले साहब। उमेर क्या हालचाल है? ठीक ठाक सर। हमने तो फार्म हाउस देख के और आके बड़ा एंजॉय किया है, आप इसके बारे में कुछ रिव्यू देना चाहें? क्योंकि ऑनर होने के हैसियत से आप कुछ कहना चाहें तो फिर कह सकते हैं। असद भाई पहले तो आप सबका शुक्रिया कि आप लोग मेरे शॉर्ट नोटिस पे आए ईद के पहले दिन टाइम निकाल कर। जी जी। और मेरे सिलसिले में बस ये कहना चाहूँगा कि आपने एक छोटी सी बड़ी कोशिश की थी कि ऐसी एक फैसिलिटी आप प्रोवाइड करें, ठीक है, नियरेस्ट टू हैदराबाद और कोटली सिटी में नहीं थी, तो हमने एक छोटा सा एक ये कदम उठाया। जी जी। और अल्लाह पाक के फजल करम से अल्लाह पाक ने बड़ी अच्छी कामयाबी दी है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास ईद की स्लॉट्स कम्प्लीट खुले 27 जून तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जाना है। माशाल्लाह और कंग्रेचुलेशन फॉर दिस ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग फार्म हाउस, फिलजा फार्म हाउस। दोस्तों थैंक यू सो मच। फरहान भाई मुझे व्लॉग में ले रहे हैं, मैं फरहान भाई को व्लॉग में ले रहा हूँ। अच्छा ही भाई को पूल जो का ये व्लॉग में तू ही खुदा कसम। दूसरा स्विमिंग पूल ये है दोस्तों, पहला आपको दिखा चुके हैं। मैं कह रहा हूँ दोस्तों को कि जरूर इस फिलजा फार्म हाउस को विजिट करें आप। लाजम आना है आपने, क्योंकि ये आपको ऐसी चीज कहीं और नहीं मिलेगी। हैदराबाद जामशोरो में ऐसा आपको फार्म हाउस नहीं मिलेगा दोस्तों। फार्म हाउस कोटड़ी पूल पार्टी करने के बाद रिफ्रेशमेंट भी है और तैयब साहब लाए हैं ये जबरदस्त। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी। सर पूल पार्टी करने के बाद कुछ खाने पीने के लिए मिल गया हमें। वजन कैसा लग रहा है आपको? पेटी से जलील करेंगे दे यार। सर 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 ओ यस यस रोमांटिक कर रहे हैं। बहुत कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत खादिम भी आ चुके हैं, खादिम एंजॉय कर रहे हैं आप यहाँ पे आ रहे हैं आपको? ओहो और उसके अलावा यहाँ पे आके आप गैदरिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि तालिब साहब बैठे हैं। असद भाई क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह असद भाई कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा, बहुत मजा आया, दोस्तों के साथ मिलके ईद पार्टी और पूल वाला जो प्रोग्राम, बहुत मजा आया। सैयद साहब हमारे साथ, बहुत मजा आया। ओहो हो बहुत मजा आया, बहुत ही बढ़िया रिव्यू। तफरी लगी पड़ी है हर जगह दिखे हमें। ओहो फरहान भाई, फरहान भाई फरहान भाई आराम से यार, प्लीज ये घर पे आप ट्राई मत करना, खतरनाक चीज है ये लोग। और इसके अलावा ये भी आप देख सकते हैं, ओए मजो करे ठंड ना, मौजा मारा जैसे मौजा में। इब्राहिम इब्राहिम क्या चाल है भाई? जर्नलिस्ट अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और उसके अलावा ये ओहो जबरदस्त, तेज तेजी हाल को पेटीज कैसे भाई? जबरदस्त है ना, मजा आ गया। अभी चाट भी है, चाट भी खाएंगे।
और आम लेके आ रहे उमेर भाई। सर तैयब ने मजा करवा दिया क्योंकि इसके अलावा क्योंकि हम ऐसे ही भूखे बैठे हुए हैं। उसके बाद तैयब जो है पेटीज लेके आए, आए आए मजे, आए 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 आए, ड्रिंक्स लेके आए, चिप्स लेके आए, छालिया लेके आए, उसके अलावा क्या लेके आए, चाट लेके आए, चाय भी है, केक है, और चाय और केक भी। अरे लव यू हो गया, अभी मजा आएगा ना, भिड़ो क्या, लव यू हो गया, मजा आ गया सर, थैंक यू सो मच। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। वाओ अरे कौन हो थोड़ा वधी का ले आ लिया हुई असल में स्लिप पे दे थोड़ा वधी का ले तो गाइज मैंने आपको दिन में पूल का मंजर दिखाया, अब मैं आपको रात में पूल का मंजर दिखाता हूँ। अस्सलामुअलैकुम फरीद भी आए हैं। फरीद क्या हाल है, ठीक ठाक? थोड़ा लेट हो गए ना आने में। ये सब खैर ठीक ठाक। तो जी ये है गेमिंग एरिया, वासी खेलूस आए बाल लेने में आए। ये जी गेमिंग एरिया भी है, उसके अलावा ये भी है। ना ना वाकई खणीस 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 हल्या हाँ अरे किरण बोले अवेश ईद मुबारक, ईद मुबारक। ब्लॉग में अच्छी पे हो कड़ाल ठीक ठाक। दुबई यार सबनी के ईद मुबारक हो जे, लव यू लव यू। आप जरूर अपनी फैमिली के साथ ये विजिट करें, दोस्तों के साथ विजिट करें, डे और नाइट में दोनों में बुकिंग होती है। आप रابطے के लिए मैं नंबर स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप رابطہ करें, अपनी पूरी फैमिली के साथ विजिट करें इस फार्म हाउस का। ईद वाले ब्लॉग में फुल पार्टी ब्लॉग में इतना ज़्यादा मज़ा आया, दोस्तों यारों के साथ रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार भी हैं और दोस्त भी दोस्त हैं, बड़ा मज़ा आया माशाल्लाह। और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिफ्रेशमेंट थी जो उमेर तैयब वालों ने और फवाद वालों ने की थी, जो कि बड़ा ही मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया जिंदाबाद भाई। क्या क्या था रिफ्रेशमेंट भाई, मैं आपको बता देता हूँ कि पेटीज थे, समोसे थे, आम थे, बिरयानी थी, चाट थी, और उसके अलावा अब पी रहे हम ड्रिंक
मतलब कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक समझ रहे हो। कोल्ड ड्रिंक तो व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी व्लॉग पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें सूफी रॉक, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सूफी रॉक व्लॉग।